कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले अपने चाचा के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले अपने चाचा लैंचो के बारे में। तो यार देखो, आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि यार हमारे चाचा ने भगवान को पत्र लिख दिया, मतलब यार भगवान को लेटर लिख दिया, ऐसी क्या समस्या आ गई? इसी सब समस्या के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं भाई, भगवान का वहां से लेटर का रिप्लाई भी आता है। तो ठीक है भाई लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कहानी को जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार एक वैली है जिस पर पूरा सुनसान इलाका है, मतलब यार एक मात्र घर है पूरे वैली पर, यानी कि कहूँ तो यार एक पूरा सुनसान पहाड़ पर बस एक ही मात्र घर है जो कि हमारे चाचा का है, ठीक है। और वहां पर चाचा रहते हैं और वहां से एकदम भाई सुंदर नजारा दिखता है, मतलब कि यार हरी हरी घासें, नदियां बह रही हैं भाई, उनकी फसलें दिखती हैं, कॉर्नफील्ड दिखती है, कॉर्नफील्ड मतलब यार मकई का खेत दिखता है वहां से उनका, ठीक है। मतलब कि यार एकदम सुंदर नजारा है और वहां से सब चीज तुम्हें एकदम मस्त दिखेगा। और वहीं पे हमारे चाचा जो होते हैं ना, वो खड़े होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे क्योंकि भाई बारिश नहीं हो रही थी और वो चाह रहे थे कि भाई बारिश हो जाए। बस वो परेशान होकर बस यही गा रहे थे, एक बार आ जा 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 जा, एक बौछार कर आ जा। हाँ मुझे पता है कि यार मैं बहुत ही ज्यादा बेसुरा गा रहा हूँ, चलो तो आगे पढ़ते हैं भाई। बस चाचा बस यही सोच रहे थे आसमान की तरफ देख कि बस एक बार बारिश हो जाती ना तो भाई मेरी फसल जो है ना एकदम बम बम हो जाता, एकदम मतलब मस्त हो जाता मेरा फसल इस बार तो। और फिर वो नॉर्थ ईस्ट आसमान की तरफ देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इस बार तो लग रहा है कि यार अब बारिश होने ही वाली है। फिर उनकी जो पत्नी जो घर में खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी रात का, ठीक है, वो कहती है हाँ अगर ऊपर वाले ने चाहा तो पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। और उनके जो बड़े बच्चे थे भाई, जो चाचा के बड़े बच्चे थे, वो तो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे ना भाई, वो घर के आजू बाजू मतलब मस्ती कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे चाची ने, यानी कि हमारे चाचा की पत्नी ने कॉल किया सबको, यानी कि बुलाया, सुनते हो सबका खाना रेडी है आ जाओ, मतलब कि यार वो बुलाती है कि चलो खाना रेडी है आ जाओ खाने के लिए। और जैसे ही सब अंदर जाके खाना खा ही रहे थे भाई, तैसे ही भाई बारिश होने लगी, बारिश शुरू हो गई, बारिश की बूंदें गिरने लगी। और फिर चाचा भाई एकदम दिल खोल के हंसने लगे, कहे वाह मजा आ गया अब तो बारिश हो गई। चाचा यार मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ये बारिश नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए पैसे बरस रहे हैं। ये जो बड़ी वाली बूंदे है ना, ये 10 सेंट का है, और ये छोटी बूंदे गिर रही है ना, ये 5 सेंट का है। तो भाई चाचा ने ऐसा क्यों कहा कि जो बड़ी वाली जो ये 10 सेंट की है और छोटी वाली जो ये 5 सेंट की है, रेन को पैसे से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि भाई किसी भी किसान के लिए ना बारिश यार पैसे के समान ही होती है, क्योंकि अगर बारिश अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और फिर हमारे चाचा झूमते हुए घर से बाहर निकलते हैं और बारिश की बूंदे को ना भाई अपने शरीर पर फील करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। और देखते ही देखते चाचा की जो खुशी थी ना भाई, वो एकदम मातम में बदल जाती है, क्योंकि जो बारिश था वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, हवाएं बहने लगती है, ओले गिरने लगते हैं भाई। और फिर जब ओले गिरते हैं तो तुम्हें पता है यार फसल बर्बाद हो जाएगी। और चाचा के भाई एकदम मुंह का एकदम रंग ही बिगड़ चुका था, एकदम पीला पीला रंग पड़ गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई, अगर ये नहीं रुका तो मतलब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। और भाई वहीं पर दूसरी और चाचा के जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालक थे ना भाई, वो एकदम खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई ओला गिर रहा है चलो बाहर एंजॉय करके आते हैं। और वो लोग घर के बाहर दौड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, और ओले के साथ जो भी मस्ती करनी होती है, मारपीट जो भी करना होता है वो करते हैं, ठीक है। और इधर हमारे चाचा की एकदम फटके चार हो रखी थी क्योंकि भाई ओले जो है बहुत ही तेजी से गिर रहे थे। फिर चाचा कहते हैं कि अगर ये ओला नहीं रुका ना तो मेरी पूरी फसलें बर्बाद हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा मैं तो। और भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वहां की जो पूरा नजारा था ना भाई एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, मतलब घर पे ओले, फसलें पे ओले, सब जगह ओले ओले गिरे हुए थे, पूरी जमीन एकदम उजली दिख रही थी, एकदम लग रहा था जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया, पूरा उजला का उजला दिख रहा था, ठीक है। और फिर चाचा कहते हैं हाय मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया मैं तो, क्योंकि यार एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा था उनके फसल का, उनके क्रॉन का, मकई का जो खेत था उनमें से भाई एक पत्ता भी नहीं बचा था, सारा का सारा सब चीज बर्बाद हो गया, पूरा फुल्ली डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर भाई उनकी आत्मा एकदम पूरी दुख हो जाती है, मतलब एकदम उनका जो आत्मा है ना वो रो रहा था, कहते मैं तो बर्बाद हो गया यार, इस साल मैं भूखे मर जाऊंगा। वो अपने परिवार वालों से कहते हैं कि इस साल तो हम लोग भूखे ही मरने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं कि इतनी तबाही तो वो कीड़ा भी नहीं मचाता जो मेरी फसल को आके खा जाता है, ठीक है। यार तुमने राम जी का घोड़ा देखा है, बिल्कुल उसी तरह का एक कीड़ा होता है जो मकई के खेत में, यानी कि मक्के के खेत में लग जाता है तो मकई को खराब कर देता है, मतलब खा जाता है, सारे फसलों को खा जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमारे चाचा कहते हैं कि जितना इस ओले ने मेरा फसल बर्बाद किया है ना, इससे कम ही करता वो कीड़ा। और फिर वो कहता है कि इस साल तो हम लोग भूखे मरने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद करेगा। लेकिन फिर भी चाचा के अंदर एक उम्मीद रहती है कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। और फिर वो सोचते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे कुछ दे दे, कुछ मेरी जुगाड़ वगैरह चला दे यार, ठीक है। और फिर वो अपने फैमिली को दिलासा दिलाते हैं कि ठीक है, हाँ मुझे पता है कि हमारे पास फसलें नहीं है, सब चीज बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है ऊपर वाला, और वो ऊपर वाला ही हमारी जान बचाएगा। और भाई वो फिर पूरी रात सोते नहीं है, बस इसी होप पे टिके हुए रहते हैं कि मैं भगवान से कुछ मांगूंगा। और कल होकर भाई वो भगवान को सोचते हैं कि एक पत्र लिखूंगा। हालांकि यार देखो लैंचो चाचा जो है ना हमारे, वो एक किसान है जो कि बस बैल की तरह खेत में
पढ़ते रहते हैं, खटते रहते हैं, लेकिन फिर भी यार वो थोड़ा मोरा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन्हें लिखना पढ़ना आता है, वो कुछ लिख सकते हैं, लेटर वेटर लिख सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा। फिर वो भगवान को पत्र लिखते हैं कि हे प्रभु देखो, मैं तो पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, लुट गया हूँ, आपने जो ओले गिराया है ना उससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, कृपया आप मुझे 100 पेजोस दे दे, ठीक है, जिससे मैं अपनी जिंदगी चला लूं। मतलब कि यार वो 100 पेजोस मांगते हैं। पेजोस क्या है भाई? पेजोस जो है ना करेंसी है जो कि मैक्सिको अर्जेंटीना साइड में चलती है, ठीक है, उस साइड में माउंटेनियर इलाका में चलता है उधर, ठीक है। अभी जाके गूगल पे सर्च मारोगे 1 पेजोस इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, तो लगभग 1.5 रुपए दिखाएगा तुम्हें, ठीक है। खैर यार ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, ये सब भूल जाओ। तो वो 100 पेजोस के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे 100 पेजोस दे दे, जिससे मैं अपना जिंदगी चला लूं, फिर से मैं एक नई फसल बो सकूं, ठीक है। और वो जाकर उस चीज को पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और पोस्ट कर देते हैं, जो पोस्ट मेल बॉक्स होता है ना उसमें जाके गिरा देते हैं उस लेटर को। और फिर थोड़ी देर बाद ही पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय यानी कि एक पोस्टमैन आता है, उस मेल को निकालता है यानी कि उस लेटर को निकालता है और पढ़ता है, और जैसे ही पढ़ता है वो एकदम हंसता है, कहता है ये क्या है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये एड्रेस नहीं देखा, भगवान को पत्र, मैं जाए कहाँ पोस्ट करूंगा। वो बहुत ही ज्यादा हंसता है, मजाक उड़ाता है, और जाता है अपने सीनियर के पास, अपने बॉस के पास जाता है, यानी कि पोस्टमैन से पोस्ट मास्टर के पास जाता है वो। और पोस्ट मास्टर को कहता है देखिए साहेब ये क्या लिखा है इसने, और जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो भी हंसता, कहता है ये क्या बेहूदा लिख दिया, भगवान को लेटर। सब हंसते हैं यार, ठीक है। और फिर भाई थोड़ी देर बाद ही ना सब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो इस इंसान का ना भगवान पे भरोसा है, ठीक है, फेथ है, तो इसका भरोसा ना उठे इसलिए हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और इसे देंगे, वो ऐसा डिसाइड करते हैं। और फिर पोस्टमास्टर खुद, जितने भी कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में वो सारे के सारे, और कुछ दोस्त सब मिलाकर भाई कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, लगभग हाफ से ज्यादा, सही बताऊं तो यार 70 पेजोस इकट्ठा कर पाते हैं। 100 पेजोस उनके लिए यार नामुमकिन सा था, क्योंकि भाई उनकी भी लाइफ है यार, ठीक है। तो भाई जैसे तैसे करके वो लोग 70 पेजोस को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और लिफाफे में भर देते हैं, और वहां पर एक गॉड का सिग्नेचर भी कर देते हैं, लिखते हैं गॉड, ठीक है, सीधा सिंपल, और उसमें डालकर मेल बॉक्स में डाल देते हैं। और अगले संडे ना भाई हमारे चाचा जो है ना वो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और कहते हैं क्या मेरे लिए कोई लेटर आया भगवान का, जल्दी मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ जल्दी जल्दी। तो भाई जो भी पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर थे वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और जाकर उसे दे देते हैं वो लेटर, उसको थमा देते हैं। और हमारे चाचा जैसे उस लेटर को लेते हैं भाई एकदम खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह भगवान का लेटर आ गया, इसमें पैसे होंगे, इसमें तो पैसे होंगे। मतलब यार उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं होता कि क्या भगवान भी लेटर लिख के मैं पोस्ट करते हैं, उन्हें देंगे, रिप्लाई देंगे। एकदम कॉन्फिडेंस था कि भाई लेटर तो आएगा ही आएगा। वो लेटर को खोलता है, ठीक है, पैसे वो गिनता है, और पैसे को जैसे ही गिनता है ना भाई वो 70 पेजोस ही होते हैं, और वो देखता है कि अरे बस 70 पेजोस। और फिर भाई वो समझ जाता है कि ये भगवान की तो गलती हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यार ये सारे इन्हीं का किया धरा है, ये जितने भी एम्प्लॉय मुझे दिख रहे हैं ना ये पोस्ट ऑफिस में, ये इन्हीं का किया धरा है, इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है। वो तुरंत जाते हैं अगले विंडो पे, वहां से एक फॉर्म लिखते हैं और फिर से एक भगवान को लेटर लिखना शुरू करते हैं, कहते हैं हे भगवान देखिए जितना मैंने आपसे मांगा था ना मुझे उतना नहीं मिला है, बस मुझे 70 पेजोस ही मिला है, ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ 30 पेजोस है वो भी आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, मुझे पोस्ट कीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरी है, इतने में तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। और हाँ इस बार जो पैसे भेजोगे ना वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय है ना ये धोखेबाज इंसान है, इन्होंने मेरा 30 पेजोस चुरा लिया है, ठीक है। मतलब यार जिसने मदद की, जो एम्प्लॉय ने मदद की, ठीक है, उसी को ये चाचा ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही चुरा लिया है, गजब हाल है। तो ठीक है यार यहीं पे तुम्हारा आज का चैप्टर खत्म होता है। मतलब क्या चाचा ने भगवान को लेटर लिख दिया, समझ रहे हो तुम, और उधर से रिप्लाई भी आ गया। अच्छा मानो अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि भगवान को लेटर लिखना है, ठीक है, सपोज कर लो कि तुम्हें भगवान को लेटर लिखने का मौका मिला और भगवान तुम्हारा रिप्लाई भी देंगे लेटर का, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, सो बताओ मुझे नीचे कमेंट में, बताओ तुम क्या बोलोगे। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अधिकतर बच्चा यही कहेगा भगवान इस बार मेरा सीबीएसई का बोर्ड है पास करवा दे बस, तू इस बार, मैं बाकी सब देख लूंगा। कितने लोग इस पे एग्री करते हो वो भी लाइक करना, ठीक है। चलो तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और भाई का चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।